लक्ष्मी लौट करके आई। दरवाजे लगे थे, दो बेर कुंडी बजाई, जैसे कुंडी बजी सो दादा कहने लगे राजा दरवाजो खोल दे, पुनुआ आओ है। सो राजा कहने लगे रेन तो दे, अब क्या करने, अब हम बूढ़े हो गए, आपको वहां में जावे हमें का काम की, हम तो बूढ़े हो गए। सो राजा के दादा कहने लगे यहां पर खोलो तो घरे पुनुआ आओ है, अब देखना आप सब। राजा ने दादा से कह दे तुम ही खोल दे, राजा ने दादा से कही दरवाजे तुम ही खोल दे, और जो दादा ने कुंडी खोली सो सामने लक्ष्मी खड़ी थी। सो लक्ष्मी कहने लगी काय दादा तुम नहीं आए, हम को तुमने घर से नकार दो। सो दादा कहने लगे हम आ तो रहती मनु ने हमें आन नहीं दाओ, वो जाके रहो के हम मर जाए तुम घर से जे हो। सो लक्ष्मी कहने लगी हमारी दार को नहीं कही, हमारी दार को नहीं कही। सो राजा दादा कहने लगे जी उनमें की नो इन जे तो दूसरी टाइप के जी बना भी बारे आए। लक्ष्मी कहने लगी अब हम उन्हें का करें, अब दादा कहने लगे हम का जाने। सो लक्ष्मी ने राजा से कही कि राजा हम घरे आ जाएं तुम आए। सो राजा कहने लगे दादा से पूछ ले, देखियो आप सब दादा से पूछ ले, अब दादा को आए, दादा आए धर्म। और राजा कह रहे दादा से पूछ ले, अब जे के घर में लक्ष्मी धर्म से पूछ के आ रही है वो को परमार्थ ने बने है तो का बने है हम जा बताओ आप। अपन को जो ही पता नहीं के कैसो आ रहा हो कैसो जा रहा हो, अपन जब ये पे भाव नहीं लगा रहे सो अपन को वो भी पता नहीं के जाने कहां है। और अगर उसमें धर्म जुड़ जाए, दादा से लक्ष्मी ने कही के कहा दादा बताओ हम का करें। सो दादा कहने लगे बताओ राजा का कह दें। सो राजा कहने लगे कह दे लक्ष्मी से कि आने हो सो हमारे घर में आ जाएं, और रहने हो सो रेवे, पर हमारे घर में धर्म की बन के रेवे, मेहनत की रेवे, धर्म की बन के उनको भाग खा के नहीं आवे, किसी गरीब की बदवा लेके हमारे घर में नहीं आवे, किसी गैया गोरी का भाग लेकर के बिठा कर हमारे घर में नहीं आवे। हम तो केवल धर्म से लक्ष्मी चाहते हैं, और हमारे घर की लक्ष्मी धर्म में जावे। ऐसो बचन हरा ले आ रही हूँ सो आ जाए, उन्हें आवे सो में जरूरत नहीं है। दादा बोले बताओ देवी सुन ली तुमने, वही ऐसी कह रहो। लक्ष्मी कहने लगी तो दादा हम वचन दे रहे हम धर्म के ही बन के आए हैं। राजा कहने लगे स्टाम्प लिखवाओ, हमें नहीं है भरोसा, स्टाम्प लिखो, स्टाम्प लिखोगा हे राजन मैं वचन देती हूँ आज से तेरे घर में धर्म की बन करके आऊंगी, नेचे उन्हें दादा के दस्तखत करा दे। लक्ष्मी घरे आ गई, देख लो लक्ष्मी जाके जहां बैठी थी तो बैठ गए। अब जी बे सिद्धांत की बातें आए, आज को आदमी ये सो है कि हम तुम्हें का बताएं, ऐसे ऐसे वाक्य देख लाइए। एक भैया रास्ता में खड़े खड़े और बड़े दारे राम राम बड़े विजय राम जी बड़े भाई बड़े भाई बीस एक मिनट ठाणी रहे। आधा घंटा बाद में मां शंकर को रात आ गए। सो कोई ने पूछी का भैया क्या होगा, कहने लगे ने कछुआर को उन्होंने रास्ते की घड़ी बना के डाल दो, हमने सोची 2000 को डरो हम 2 घंटा से लात धरे ठाणी उठे। अब कौन उन्हें बुरासरी की घड़ी बनाई हुई सुने चंडार दा से ने सोची 2000 को डरो से जो ऊपर लात धरन ठाड़ी रहे 20 एक मिनट जब ने उठा के देखो को रे जो त्रासरी आ सुने पाक घर भाग गया। लक्ष्मी गई और जाके ता जहां बैठ रहे तो बैठ गए, जैसे ही बैठी सूर्य वो दान लौट आओ, देखना आप सब दान लौट के आ गए। दादा ए राजा, दादा कहने लगे राजा इरे कोनु मरा गओ। सुबह कहने लगे अब तुम ही देख ले। दादा गए सुदान खड़े थे, कहे दादा तुम नहीं आए, लक्ष्मी कहां है, लक्ष्मी तो भीतर चली गई। तो दादा बोले दान बोले हम कहां चले जाए, बोले राजा से पूछ ले, राजा से पूछी के बताओ राजा। सो राजा बोले सुनो भैया तुम चले तो गए थे और लौट के तुम आ भी गए हो, मनो आज से हमारे घर में धर्म के बन के रज्जु। और कैसे अगर हमारे घरे वास्तव में कोनो भूखो आ जाए तो हम खात्मे की रोटी आदि भूखो दे दी दें, ऐसो हमारा मन बन जो ऐसे रज्जु हमारे घर में। और कुपात्र के घरे जज्जु ने हमारे घर से हमें नहीं करने सुदान, कुपात्र को न जाए हमें नहीं जरूरत,
काल बिगड़ किस वाजे बिगड़ जाए, को पात्र खुदा नहीं देने हैं। हमारे घरे सुपात्र आवे तो तुम हमारा मन बना दीजो कि अगर दो रोटी है खावे और हम अगर भूखे बैठे हैं तो तुम हमारा मन बना दीजो कि राजा तुम आज पासे रह ले ये भूखे को पेट भर दे। ऐसो मन बना दो हमारो। हमारे घरे कोनू गैया को भाग मांगवे आ जाए तो हमारा मन बन जाए कि एक पाई पीसी दे दे, एक पाई आटो दे दे, पर गैया की सेवा हो जाए। अगर कोनो गरीब कन्या के कन्यादान की बात आ जाए तो हमा मन बना दीजो कि ओमे हम 10 कुरज पीसी दे देवे, एक तेल को टीन दे देवे, एक कोपरा कसेड़ी दे देवे, ओ सामर्थ और अच्छो हेतु को हम कन्यादान ले लेवे। ऐसो मन बना दीजो हमा, ऐसा मन बनाना हमारो। हमारे घरे कोनो धार्मिक काम को कोनो आदमी आ जाए तो हमा मन ने डोगे, तुरंत हमा मन बन जाए कि धर्म करने का मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता। ऐसे बन के हमारे घर में रहने हो तो रहो। दान बोलो राजा, हम वचन दे रहे हैं आज से तुम्हारे घर से कोई भी अतिथि निराश होकर न जाए, तुम्हारा दान सुपात्र को जाएगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। तो राजा बोलो खाली है जगह, जाओ विराज। अब वो सुख को टेम आ गो, अब सुख लौटे, जब सुख लौटे देखना आप सब। दादा ने कही राजा सुख आ गए, सुराजा कहने लगे दादा इनसे खुली खुली पूछ ली जो दादा जी हमारे घरे रेवे तो भगवान ने बोलो हुए हमें, इनको स्वभाव है ऐसो। अरे सुख बोलो सुन राजा, ये तो संसारी के ऊपर है कि मेरा उपयोग व्यक्ति करता कैसे है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुख में भी भगवान को मना लेते हैं पर उनको उपयोग करना आता है, और जिन जिन ने हमारा उपयोग करो है उनके बारे में आने हो गए। किसके भय? बोले पूछो बाबा तुलसी से, तो बाबा तुलसी ने बता दी तुरंत। सुखी मीन जहानी रे अगाधा, सुख मेरा उपयोग पूछो। जिस जिन ने सुख का उपयोग किया है, जिसके पास सुख है, अगर उसमें राम और अगर उसने जोड़ दिया है तो हमने जीवन के बारे न्यारे कर दे। कब है? तो बाबा तुलसी बता रहे हैं, जो सुख धाम सुख में अगर उन्होंने भगवान को भजन और कर दो तो सुख बोलो राजा हमने बारे न्यारे कर दाए। ओके, सुख बता रहा है कि सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। फिर हमने पता है क्या क्या दिया है, जिसने सुख में राम जोड़े हैं, जिसने राम में सुख जोड़ा है उसको मैंने सोई सुख सोई गति सोई भगत और सोई निज चरण सने, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु हम ही कृपा कर दे। ये दिया है तो राजा हम वचन देते हैं, आओ बैठो। राजा घर है, सुख आओ, आवाज शांति।